अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना रब्बिर्हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिर्हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिर्हमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 145 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, ला आजिदु, नहीं मैं पाता, फीमा, इसमें जो, उही या वही की गई है, इलैया, मेरी तरफ, मुहर्रमन, कोई चीज हराम, अला ताइमिन, किसी खाने वाले पर, या अमुहू, जिसे वो खाए, इल्ला मगर, अयकूना, ये के वो हो, मैतातन, मुर्दार, औ या दामन, खून, दाम मसफूहन, बहाया हुआ, औ या लहमा, गोश्त, खिंजीरिन, सुअर का, फ़इन्नहू, पस यकीनन वो, रिज्सुन, नापाक है, औ फिस्कन, या वो फिस्क हो, ओहिल्ला के नाम पुकारा गया है, ले गैरिल्ला ही, अल्लाह ताला के सिवा किसी और का, भी इस पर, फ़मनिस्तुर्रा, तो जो शख्स लाचार हो जाए, गैरा बागिन, शर्त ये है कि वो ना हो सरकश, वला आदिन, और ना हद से गुजरने वाला हो, फाइन्ना, तो बेशक, रब्बा का, आपका रब, गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। इस आयत में चार मुहर्रमात का जिक्र है। इसकी जरूरी और मुकम्मल तफसील सूरह बकरा की आयत नंबर 173 के हाशिए में गुजर चुकी है। यहाँ ये नुक्ता मजीद काबले वजाहत है कि उन चार मुहर्रमात का जिक्र कलमा हसर से किया गया है, जिससे जाहिर ये मालूम होता है कि उन चार किस्मों के अलावा बाकी तमाम जानवर हलाल हैं, जबकि वाकया ये है कि उन चार के अलावा और जानवर भी शरीयत में हराम हैं। फिर यहाँ हसर क्यों किया गया? दरअसल बात ये है कि इससे कबल मुशरिकीन के जाहलाना तरीकों और उनके रद्द का बयान चला आ रहा है। उन्हीं में बाज जानवरों का भी जिक्र आया है जो उन्होंने अपने तौर पर हराम कर रखे थे। इस सयाक और जिमन में ये कहा जा रहा है कि मुझ पर जो वही की गई है, इसमें तो उससे मकसूद मुशरिकीन के हराम करदा जानवरों की हिल्लत है, यानी वो हराम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन मुहर्रमात का जिक्र किया है उनमें तो वो शामिल ही नहीं है। अगर वो हराम होते तो अल्लाह ताला उनका भी जिक्र जरूर करता। इमाम शौकाफी ने इसकी तौजीह इस तरह की है कि अगर ये आयत मक्की ना होती तो फिर यकीनन मुहर्रमात का हसर
काबिल तस्लीम था, लेकिन चूंकि इसके बाद खुद कुरान करीम ने अलमाइदा में बास और मुहरमात का जिक्र किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ मुहरमात बयान फरमाई हैं, तो अब वो भी उनमें शामिल होंगे। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों और दरिंदों के हिल्लत और हुर्मत मालूम करने के लिए दो उसूल बयान फरमा दिए हैं, जिनकी वजाहत भी मज़कूरा मखुला हाशिया में मौजूद है। औफिसकन का उत्तफ लहमा खंजीरिन पर है, इसलिए मनसूब है। माना है ऐ सुबिहा अलल असनाम, वो जानवर जो बुतों के नाम पर या उनके थानों पर उनका तकर्रुब हासिल करने के लिए ज़िबह किए जाएं, यानी ऐसे जानवरों पर गो इन ज़िबह अल्लाह का नाम लिया जाए तब भी हराम होंगे, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला का तकर्रुब नहीं गैर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना मकसूद है। फिस्क रब ताला की अताअत से खुरूज का नाम है। रब ताला ने हुक्म दिया है कि अपने रब के नाम पर जानवर ज़िबह किया जाए और सिर्फ उसी के तकर्रुब व नियाज के लिए किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यही फिस्क और शिर्क है। इस आयत करीमा से मकसद उन मुशरिकीन की तर्दीद है जिन्होंने आज खुद कुछ चीजों को हराम करार देकर अपनी फासद अराक के साथ उन्हें बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम के नाम से मासूम कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही भेजी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता दें कि वही इलाही में उन चीजों में से किसी को भी हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है वो इस आयत करीमा में मज़कूर हैं, और वो हैं मरा हुआ जानवर, बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। इनके सिवा और चीज़ों को उसने हराम करार नहीं दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस तरारी हालत में अपनी जान बचाने के लिए इन मुहरमात में से सिर्फ बकदर जरूरत इस्तेमाल करे तो अल्लाह ताला उसका मुआखजा नहीं करेगा। ला आजिदु फी मा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैतता, मुर्दार से मुराद हर वो जानवर है जो अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबह या शिकार ना किया गया हो बल्कि खुद मर गया हो। इरशादे बारी ताला है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु वद्दामु वलहमुल खिंजीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वलमुनखानिकातु वलमौकूज़ातु वलमुतरद्दियातु वन्नातिहातु वमा अकालस्सबू इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन्नुसब। सूरत अलमाइदा में तुम पर मुर्दार हराम किया गया है और खून और खंजीर का गोश्त और वो जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए और गला घुटने वाला जानवर और जिसे चोट लगी हो और गिरने वाला और जिसे सींग लगा हो और जिसे दरिंदे ने खाया हो, मगर जो तुम ज़िबह कर लो और जो थानों पर ज़िबह किया गया हो। उमरु बिन दिनार रहिमहुल्ला बयान करते हैं
कि मैंने जाबर बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया था। उन्होंने जवाब दिया कि हुकम बिन उमरु गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसरा में यही बात रवायत किया करते थे, लेकिन ये इल्म के समंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उनका इसका इनकार करते हैं और वो आयत ये आयत पढ़ते हैं, कुल्ला आजिदु मा फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमियत अमुहु। बुखारी किताब की रवायत है, सही अहादीस से साबित है कि पालतू गधा हराम है। शायद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को उन अहादीस का इलम ना हुआ हो, वरना वो ऐसा ना कहते। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने अपने इस मौकफ से बाद में रुजू कर लिया हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जमाना जाहिलियत के लोग कुछ चीजें तो खा लेते थे और कुछ से नफरत करते हुए नहीं खाते थे, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अपनी किताब को नाजल फरमाया और हलाल को हलाल और हराम को हराम करार दे दिया। पास जिसे अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया वही हलाल है और जिसे उसने हराम करार दिया वो हराम है, और जिससे उसने सुकूत फरमाया है वो काबिले मुआफी है। फिर उन्होंने ये आयते करीमा पढ़ी, कुल ला आजीदु फी मा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमियत अमुहु। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, सैयदा सौदा बिनते जमआ रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमारी बकरी मर गई तो हमने इसके चमड़े को रंग लिया और वो चमड़ा हमारे पास लंबा सा रहा, यहाँ तक के बाद में उसका मशकीजा बना लिया गया। बुखारी किताब की रवायत है, औ दाम मस्फूहन औ लहमा खिंजीरिन फाइन्नहु रिज्स, यानी खून जो बह जाए चाहे जिंदा का हो या ज़बीहा का वो हराम है, अलबत्ता दो खून कलेजी और तिली हलाल हैं। खंजीर का गोश्त के वो गंदगी है यानी सेहत के लिहाज से बेशुमार बीमारियों का बायस होने और बेगैरती में बदतरीन जानवर होने की वजह से खाने वालों में इसकी तासीर की बिना पर मानवी तौर पर सरासर गंदगी है। ओ फिस्कन ओहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, ओ फिस्कन इसका उत्तफ लहमा खंजीर पर है, यानी ये भी इसी तरह हराम है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जानवर अल्लाह ताला के नाम पर ज़िबह किया जाए, इसलिए वो जानवर जिस पर ज़िबह करते वक्त गैर अल्लाह का नाम मशहूर कर दिया जाए कि ये दाता का बकरा है या बरी अमाम की गाय है या फला पीर या अमाम की नजरो नियाज है, इससे मकसूद चूंकि गैर अल्लाह को राजी करना है कि वो राजी होकर हमारे काम संवार देंगे, इसलिए ऐसे जानवर को उनकी रजा के लिए ज़िबह करते वक्त इस पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाए तो भी वो हराम है, क्योंकि एतबार नियत का है और नियत का इजहार खुद उनकी जबानी हो चुका है और उर्स और कब्र का माहौल भी इस पर दलालत कर रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना रब्बे ग़फ़िरली वाले वालिदैया वाले मन दाखला बैतिया मुमिनम वाले मुमिनीना वल मुमिनात। रमज़ानुल मुबारक की बहुत इंतहाई कीमती घड़ियां हैं, उन सातों में अल्लाह ताला का खूब जिक्र किया करें, अल्लाह ताला के नामों को याद किया करें, कुरान करीम से जुड़े रहें,
तर्जमा और तफसीर में गौरव फिक्र किया करें। अपने आप को उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला के नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हुए अपने वक्त को गुजारें। सुभाना रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।